हाय गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय चैनल। आज हम बात करेंगे इस मुद्दे के बारे में कि टिकटॉक की इंडिया में वापसी होगी या नहीं होगी। काफ़ी सारे चैनल्स में आपको देखने को मिल रहा होगा कि 2 दिन में वापस आएगा, 4 दिन में वापस आएगा, बट ऐसी कोई भी ऑफिशियल कम्युनिकेशन अभी तक का टिकटॉक से जारी नहीं करा गया है कि नवंबर में या अक्टूबर में वापसी हो पाएगी। मैं आपको इंपॉर्टेंट अपडेट देता रहूँगा, इसी तरीके से बिल्कुल सच्ची और एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन दूंगा। ऐसा कोई थंबनेल नहीं डालूंगा जिसको देख के आप अंदर एंट्री मार टॉक की वापसी इंडिया में होनी नहीं वाली है। और ये जो डेट्स आती हैं कि नवंबर में अक्टूबर में आएगा, ये सारी डेट्स फॉल्स हैं और मैं आपको कोई भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा अपने चैनल के ऊपर। जो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन होगी वही दूंगा। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ के ऊपर वर्क कर रहा हूँ और डेटा इकट्ठा कर रहा हूँ कि जो टिकटॉक ही नहीं, काफ़ी सारी जॉब्स लोगों की स्टेक पे आ गई हैं और काफ़ी सारा मटेरियल जो कि इंपोर्ट होके बाहर से आता था और इंडिया में बिकता था, जो कि चाइनीज़ मटेरियल होता था जिसका लोकल मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में अवेलेबल नहीं है, उसका भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। और इनफैक्ट अगर गवर्नमेंट और चाइना की गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट के रिश्ते जब तक का ठीक नहीं होंगे, टिकटॉक के साथ में काफ़ी सारी और भी चीज़ें हैं, लोगों की नौकरियाँ हैं, लोगों के रोज़गार हैं, जिस पर फ़र्क पड़ा है। इस तरीके की इंपॉर्टेंट अपडेट के ऊपर मैं बहुत ही जल्द न्यूज़ लेके आपके सामने उपस्थित होऊंगा और ये इनफैक्ट ये न्यूज़ आपको हिला के रख देगी। इसमें ऐसे तथ्य मैं लेके आऊँगा जिससे आपको पता लगेगा कि टिकटॉक बिल्कुल ये सही बात है कि आप लोगों का, काफ़ी लोगों का एंटरटेनमेंट का सहारा था, उसके साथ में और भी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। जब तक का बॉर्डर में हालात ठीक नहीं होंगे, काफ़ी सारी चीज़ें, इकॉनमी पूरी की पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी क्योंकि हमारे पास लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक का डेवलप नहीं हुआ है। तो आइए आज की न्यूज़ की तरफ हम बढ़ते हैं, न्यूज़ को पढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है ByteDance works to resolve TikTok concerns as process drags on। इसका मतलब ये हुआ कि ByteDance कंपनी जो कि TikTok की पेरेंट कंपनी है, उसने प्रोसेस चालू किया है बातचीत करने का, क्योंकि काफ़ी सारा डिले हो रहा है इस प्रोसेस में, क्योंकि अमेरिकन गवर्नमेंट ये बोल रही है कि टिकटॉक की स्टेक उसमें ज़ीरो होनी चाहिए। स्टेक का मतलब ये हो गया कि टिकटॉक की जो हिस्सेदारी है उसमें ज़ीरो होनी चाहिए, जबकि टिकटॉक बोल रहा है कि मेरी 80% साझेदारी होगी, बाकी 20% ओरेकल की साझेदारी होगी। अब इस बात पे अड़े हुए हैं यूएस गवर्नमेंट ने केस भी हार गई। इनफैक्ट टिकटॉक ने उसके ऊपर यूएस गवर्नमेंट वो केस भी हार गई, क्योंकि यूएस की जो कोर्ट है उसको ये लगा कि एक्चुअली में ये जो यूएस गवर्नमेंट साबित करना चाह रही है टिकटॉक को लेके, वो सब फॉल्स एलिगेशंस हैं। इसलिए यूएस की गवर्नमेंट वहाँ पे केस हार गई है। अब कैसे जुड़ी हुई है इन सब खबरों को लेकर, अगर इनफैक्ट यूएस में टिकटॉक वापस से बैन नहीं होता है, इनफैक्ट जो कि अभी तक का बैन नहीं हुआ है, बात चल रही है, तो इसके इंडिया के रास्ते ऐसे खुल जाएंगे क्योंकि टिकटॉक ग्लोबल बनने वाला है जैसा आप सब लोग को पता है। तो हम न्यूज़ में आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ टिकटॉक वॉज फोर्स टू स्टार्ट टॉक्स फॉर अ डिले बाय अ पेयर ऑफ बैन्स ट्रम्प इशूड इन ऑगस्ट ऑन द ग्राउंड दैट ByteDance पोज्ड अ नेशनल सिक्योरिटी रिस्क थ्रस्टिंग द ऐप इन टू द सेंटर ऑफ द प्रेसिडेंट्स कन्फ्रंटेशन विद बीजिंग। अब आपको पता है कि US के भी रिश्ते जो हैं वो चाइना के साथ में बेहतर नहीं हैं, और इन्हीं रिश्तों की वजह से US गवर्नमेंट को पता है कि अगर ये टिकटॉक को बैन नहीं करेंगे तो मे बी कुछ सिक्योरिटी रिस्क होगा, जिसको कि टिकटॉक ने पूरा ठुकरा दिया है बोलते हुए कि कोई भी सिक्योरिटी रिस्क नहीं है। अब इसकी इंडिया में वापसी कैसे जुड़ी हुई है वो भी समझ लीजिए। अगर वहाँ पे बैन नहीं होता तो इंडिया में वापसी के उसके रास्ते काफ़ी हद तक खुल जाएंगे, और जैसा कि मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि जब तक का हालात बॉर्डर पे ठीक नहीं होंगे वापसी नहीं हो सकती। और इनफैक्ट कोई भी यूट्यूब चैनल आपको थंबनेल बना के देता है कि 2 दिन में या 4 दिन में वापस आ रहा है, फॉल्स एंड फेक है, इस पर बिलीव मत करिएगा। आगे हम न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है ओरेकल कॉर्पोरेशन विच इज़ लीडिंग द बिड टू बाय स्टेक इन टिकटॉक इज ऑल्सो स्टिल हैशिंग आउट द फाइन प्रिंट टर्म्स ऑफ द डील विच टुक वीक्स अगो रिसीव एंडोर्समेंट इन कंसेप्ट फ्रॉम US। अब आपको पता है कि US ने इन कंसेप्ट यानी कि मुंह से बोल दिया कि हाँ हम लोग अलाइंड हैं, हम लोग ओके हैं अगर ये डील होती है, बट कहीं भी राइटिंग में अभी तक नहीं आया है कि डील ओके हो चुकी है और आप लोग बैन नहीं हो गए। US गवर्नमेंट ने अभी तक नहीं बोला है, US की कोर्ट ने जरूर बोल दिया है कि टिकटॉक एप्लीकेशन बैन नहीं होगा। नीचे न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। ByteDance is in discussion with the final proposal with the committee on foreign investment in the US. The regulatory body that must clear any agreement. Several issues remain unresolved, including question about data security, Chinese ownership in the new TikTok global and a possible $5 billion education fund. अब इसमें सबसे बड़ा जो कंसर्न है कि अभी तक का कोई भी साबित नहीं कर पाया है कि ये जो सिक्योरिटी कंसर्न की बात US गवर्नमेंट कर रहा है वो बिल्कुल सही है या गलत है।
अब ट्रंप हैज सेड दैट इफ डील इज नॉट डन बिफोर नवंबर 12, अब कई चैनल्स पर आपने देखा होगा नवंबर की डेट दे रहे हैं, वो इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ट्रंप ने वापस से नई डेट डाली है, क्योंकि 2 नवंबर को वहाँ पे इलेक्शन होने वाले हैं। अब काफ़ी सारे लोग टिकटॉक के ऐसे हैं जो कि इलेक्शन में वोट भी करेंगे, अगर टिकटॉक बैंड हो गया तो यूएस ट्रंप साहब का वो वोट बैंक लूज हो जाएगा, इसलिए वो टिकटॉक को बैंड नहीं करेंगे। इसलिए नवंबर 12 की उन्होंने वापस से फ्रेश डेट दी है कि अगर ये जो डील है ओरेकल की और टिकटॉक की, ये डील क्लोज नहीं हुई जिसमें कि यूएस ट्रंप साहब बोल रहे हैं कि टिकटॉक की उसमें कोई भी पार्टनरशिप नहीं होनी चाहिए, 0 पार्टनरशिप चाहिए, टिकटॉक चाइना से बिल्कुल अलग हो जाए। तो ये बातचीत चल रही है, इसी के ऊपर कार्रवाई चल रही है और यही न्यूज़ का आज का मेरा सूत्र था। तो गाइज मेरे चैनल के साथ में बने रहिएगा, आपको बहुत ही जल्द एक बहुत ही धमाकेदार न्यूज़ मिलने वाली। शुक्रिया।